नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किए हुए हैं और उनके वर्क परमिट आ चुके हैं और उनकी इंटरव्यू की डेट वगैरह उनको मिल चुकी है। सो वो लोग खास करके इस वीडियो पर ध्यान दें, या जिन लोगों ने भी अपने किसी भी रिलेटिव का वीज़ा या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए और वर्क परमिट मिलने के बाद में उन्होंने ऑलरेडी एम्बेसी में डेट ली हुई है, तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग ऑलरेडी वर्क परमिट ले चुके हैं और जिनकी इंटरव्यू है। जैसे कि आपको पता ही है कि एम्बेसी हर बार कुछ ना कुछ नया अपडेट करती रहती है। यहाँ पे इमिग्रेशन भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते ही रहते हैं, जैसे पीछे इन्होंने वर्क परमिट का कलर वगैरह चेंज कर दिया। और ऐसे ही जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से काफ़ी चेंजेस आए हैं, वीज़े में चेंजेस आए हैं, TRC में चेंजेस आए हैं, तो ऑलमोस्ट हम आपको अपडेट्स देते ही रहते हैं अगर कुछ भी चेंजेस हो। तो अभी इन्होंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं जिसमें मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जो लोग नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, जो एम्बेसी फेस करने जा रहे हैं, वो ये चीज़ें खास ख्याल रखें। जैसे कि इन्होंने आपको पता ही है कि जब भी वर्क परमिट मिलता है तो उसके साथ हमें वर्क परमिट के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क एक गारंटी लेटर होता है जो बॉस की तरफ से होता है, और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें भी कुछ पीछे चेंजेस किए थे, जैसे गारंटी लेटर पे रेफरेंस नंबर होना ज़रूरी है, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल नंबर और कंपनी का फ़ोन नंबर बॉस का, ये बहुत होना ज़रूरी था। ये पीछे उन्होंने चेंजेस किए थे इन चीज़ों पे। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो कलर्ड स्टैम्प जहाँ पे होती है वो कलर्ड स्कैन होने चाहिए। डॉक्यूमेंट यहाँ से सब स्कैन ही जाते हैं इंडिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं जाता है। तो आपकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट लगते थे उसमें भी अभी एम्बेसी ने कुछ चेंजेस किए हैं। जो भी पर्सन वहाँ पे जा रहा है वो अपने साथ में अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और जो पुराना पासपोर्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नया पासपोर्ट बना लिया और आपने पहले आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, या फिर आपने वीज़ा अप्लाई किया और बंदे का पासपोर्ट ख़त्म होने वाला था, इधर से वर्क परमिट इशू हो गया और उधर से नया पासपोर्ट उसने जमा किया वीज़ा लगाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने साथ में जो ओल्ड पासपोर्ट मांगा है, आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप जाओ तो आपके पास आपका PCC ओरिजिनल सबके पास होता है, सबको पता ही है, और सेकंड फ़ोटोज़ होता है, थर्ड पासपोर्ट होता था, अभी फोर्थ आपको ओल्ड पासपोर्ट भी अपना साथ में लेके जाना है जब इंटरव्यू पे जाओगे आप, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है, आपके पास आपका पासपोर्ट जो पुराना है वो आपने वीज़ा वर्क परमिट अप्लाई किया, आपने बाद में बनाया या आपका पहले ख़त्म हो चुका है, ये मैटर नहीं है। अगर आपके पास दो पासपोर्ट है, अगर आपका एक ही पासपोर्ट बनाया अभी तक तो कोई इशू नहीं, अगर आपके दो पासपोर्ट है जो पुराना एक्सपायर हो चुका तो उसे साथ में कैरी करना है जब इंटरव्यू के लिए जाएं। सेकंड, आपकी जेब में आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, वे आपसे मांग सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अपना आधार कार्ड नहीं लेके जाएं, तो अभी उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की हैं एम्बेसी में, उसने उन्होंने 100% मांगा हुआ है आधार कार्ड और पुराना पासपोर्ट। सो ये चीज़ें आपने साथ में कैरी करनी है। बाकी इंटरव्यू पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इंटरव्यू की तैयारी सही से करके जाएं, जो आपका ट्रेड है उसी के अकॉर्डिंग ही आप बोलें कि आप इंडिया में भी काम कर रहे हैं, जहाँ आगे जो वर्क परमिट आपको मिला है उस पर अपना ट्रेड का खास ख्याल रखें कि आपका किस ट्रेड का वीज़ा है, और क्वेश्चन आंसर सही से याद करके जाएं। आंसर अगर सही दोगे तो वीज़ा भी लगेगा ही 100%। अगर आप गलत आंसर दोगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है और आप बोलते कुछ हो, तो आपका वीज़ा नहीं
लगेगा, उस पे आपकी स्टेटमेंट जो मैच नहीं करती। फॉर एग्जांपल, जैसे एक लड़के ने, मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था, तो उसे पूछा गया कि तुम्हें सैलरी किस में मिलेगी, रोन में मिलेगी या डॉलर में मिलेगी, तो उसे पता ही नहीं है कि रुबीनियन करेंसी को क्या बोलते हैं। सो ये चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त सरदीप सिंह, और जो मैंने वीडियो में बोला है उन चीज़ों पे ख्याल करें। थैंक यू।